आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भ्रष्टाचार क्या होता है? कमीशन। भ्रष्टाचार बोलने से अच्छा है इसमें कमीशन में आप चले जाते हैं। भिवंडी महानगर पालिका नाला सफाई की पहली बारिश ने खोली पोल। कई इलाकों में हुआ जल जमाव, इसका जिम्मेदार कौन? देखा जाए तो हर वर्ष मनपा नाला सफाई में करोड़ों रुपया खर्च करती है, फिर भी नालों की सफाई नहीं होती है, जिसकी वजह से जल जमाव होता है। दो दिन की पहली बारिश में भिवंडी शहर के कई इलाकों में जल जमाव देखा गया, जिससे लोगों का काफी नुकसान हुआ। इसी नाले साफ सफाई के भ्रष्टाचार को लेकर माजी नगर सेवक अशोक भोसले ने क्या कहा, ये देखते हैं इस खबर में। पहली बार तो एक महीना बारिश लेट हो गया है, अब हमको नाले सफाई करने में हमको एक महीना ज्यादा मिल गया, उल्टा मतलब जो होता है उससे ज्यादा भी टाइम मिल गया। लेकिन भिवंडी में नाले सफाई का काम नहीं होने का मैंने 5 साल में मैंने मेरे कार्यकाल में देखा है, 5 से 6 साल से, कि नाले सफाई का भिवंडी में हर बार ये प्रॉब्लम आता है। पैसा कितना गया उसकी बात की बात है, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि नाले की हमारी जो विथ होनी चाहिए, जो डीप होनी चाहिए, और ये नाले मेरे मुझे ऐसा लगता है कि 10-10, 15-15 साल वैसे ही बने, उसके बाद में उसके ऊपर काम नहीं हुआ है। तो इसीलिए वो छोटे छोटे विभागों में छोटे छोटे जगह में पानी भरने का कारण सबसे पहला वो है। और उसके अंदर जो अनधिकृत पाइपलाइन जो गई है, वो जो आपके जैसे प्रेस वाले उसको नजरअंदाज करते हैं, उसके वजह से भी ये नाले का सबसे बड़ा पानी भरने का सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी कारण ये है कि जो बड़े नाले हैं उसको जो तरीके से 10-15, 20 साल, 25 साल पहले बने हैं वैसे भी आज पड़े हैं। और उन तक किधर बांधकाम गिरा हुआ है, किधर उसका डाइवर्शन हुआ है, किधर उसके अंदर मतलब जो ज़्यादा मतलब जो गाढ़ होता है वो ज़्यादा उसके अंदर बैठा है, वो निकाला नहीं जाता है कि वहाँ पर, तो वहाँ तक अनधिकृत बांधकाम, अनधिकृत झोपड़पट्टी होने की वजह से वहाँ पर अंदर जैसे भी जा नहीं पाता है, और इंसान आदमी कितना निकालेगा, तो उसको जितना दिखता है उतना वो निकालता है। और ये मध्य नज़र रखते हुए नाले सफाई का सबसे बड़ा ये बुझवारा जो हो रहा है, जो तकलीफ हो रही है, उसका कारण ये है। और रह गई अभी 2.9 करोड़ की जो टेंडर इशू किया है, वो देखो अभी गवर्नमेंट ने निकाला है, लेकिन मेरा ये बोलना कि हमारे लिए 2 करोड़ बड़ी बात नहीं है, हमारे भिवंडी में वो नाले सफाई अच्छी होनी चाहिए। लेकिन महानगर पालिका के कमिश्नर ने बहुत अच्छा काम किया है, सोच उनकी अच्छी है, मेरे उनकी पर्सनली बात हुई, लेकिन अभी नीचे के लेवल पर काम नहीं हो रहा है। ये हमारे बहुत सालों से मांग है लेकिन होता ही नहीं है। तो क्या लगता है नाले साफ सफाई भ्रष्टाचार हुआ कि नहीं हुआ? तो भ्रष्टाचार कभी नहीं होता है, भ्रष्टाचार तो हर काम में फिक्स है ना। उसके लिए ये कोई नाले सफाई का 2 करोड़ में कुछ हमारा कुछ होने वाला है क्या? कुछ नहीं, भ्रष्टाचार तो होते ही देता है। भ्रष्टाचार तो मतलब भिवंडी में हर काम में, जैसा भी आपने कल देखा होगा कि घर पट्टी में कितना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये सिर्फ 10% है, आपके मालूम के लिए बताता हूँ। और ये आजकल नहीं हुआ है, ये बहुत सालों साल होते आया है। इसीलिए भ्रष्टाचार ये कोई इसमें मायने नहीं है, लेकिन हमारा काम नहीं होता है वो हमारे लोगों को तकलीफ होती है, हमारे जैसे लोगों को तकलीफ होती है, उसका ही हमको ज़्यादा दुख है। और ये जो नाले सफाई है, मुझे लगता है कि हो सकता है कमिश्नर से कल परसों मिलेंगे, बात करेंगे, उनको जहाँ पर अभी जो पॉइंट है वहाँ पर उसका खुला करके नाले सफाई क्लियर करने की मांग जरूर करेंगे। तो जगह जगह पानी भरता है, इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार ऐसा है कि प्रशासन है ना हमारा, जो स्थानीय प्रशासन है, जो हमारे महानगर पालिका के जितने भी अधिकारी हैं, हमारे जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं, इनकी सभी की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी हमारे नागरिकों की नहीं है, हमारी पहली जिम्मेदारी है। हमारा कचरा कभी भी हर दिन उठाया नहीं जाता है, वो लोग नाले में डालते हैं, डालने वाला डालता है वो गलत है, लेकिन हम लोग नहीं उठाते वो तो हम पहले गलत है ना। तो इसके ऊपर भी बहुत बार अमल चर्चा हो चुकी है, लेकिन अमल बजावनी अमल इधर होती नहीं है। उसका कारण क्या है वो ये भी आने वाले टाइम में अपने को ढूंढना है, और उसमें आपके जैसे लोगों की भी सहायता लगेगी, और वो अच्छा करने के लिए, भिवंडी अच्छा करने के लिए अपने को सभी लोगों को, सभी पार्टियों को, सभी अधिकारियों को एक जगह आके अच्छा काम करने की सोच रखनी पड़ेगी। तो जो ठेकेदार को साफ सफाई का टेंडर दिया गया था, तो ऐसे ठेकेदारों का टेंडर
पास किया जाना चाहिए कि मतलब नहीं, अभी उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कि बाबा ये इतना नाले सफाई इस तरीके से हुई नहीं, तो उसका टेंडर जो पैसा दिया है और उसका आगे वाला जो पैसा है रोको आ जाएगा। बस इतना ही हम कर सकते हैं और बोल सकते हैं और उतना ही अपन रोक सकते हैं। भ्रष्टाचार हुआ ये बात सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों भ्रष्टाचार के बिना काम ही नहीं होता है भिवंडी में। अभी भ्रष्टाचार क्या होता है? कमीशन। भ्रष्टाचार बोलने से अच्छा है इसमें कमीशन में अपन चले जाते हैं। और इसीलिए मेरा ये कहना है कि अपने को सभी को इसके ऊपर मद्देनजर रखना पड़े। अभी कौन भ्रष्टाचार करता है, कौन कमीशन खाता है, वो बात अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है। अपने लिए भिवंडी सर कैसा सुधरे उसी लिए सभी को एक साथ में आना पड़ेगा। अभी मैं बोलूंगा अलग, वो बोलेंगे अलग, वो प्रशासन अलग काम करेगा तो नहीं होगा। अपने को सभी को एक जगह मिलके ये भिवंडी के जितने भी 10-15 लाख लोग जो जनता है उनके लिए अपने को काम करना पड़ेगा। जो पीछे हुआ उसको छोड़ के आगे नया क्या कर सकते वो देखना बहुत जरूरी है। और जैसा अभी घर पट्टी का मसला मैंने बोला कि उसमें अपने को पैसा मिलता है, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, ये मैंने आने वाले सभी कमिश्नरों को बताया गया, लेकिन कोई इसके ऊपर नजर नहीं डालता है और ना किसी को पड़ी है। ऑफिस में बैठ के इसके ऊपर हिसाब किताब होता है, बाकी नीचे ग्राउंड लेवल पे साइड पे जाके कोई काम नहीं करता है। ये सबसे बड़ा तकलीफ भिवंडी महानगर पालिका का है। इसी तरह सबसे पहले खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।